हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी इंडिया पुणे। बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने मेरा मिनोक्सिडिल के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो देखा, वो सारे लोग पूछ रहे हैं, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे मिनोक्सिडिल काम करता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें मिनोक्सिडिल के बाद लेनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वहाँ अच्छी कमेंट की है, हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने और क्वेश्चन पूछे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या मेडिसिन लेनी पड़ती है, सिर्फ मिनोक्सिडिल या और क्या क्या लेनी पड़ती है। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो भी रहेंगे, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर, वो आपको ओरल एंटीबायोटिक दे देंगे। टॉपिकली अप्लाई करने के लिए सिर्फ सलाइन दे देंगे पहले 8 दिन, और जहाँ से बाल निकाले हैं वहाँ लगाने के लिए एक टॉपिकल एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी दे देंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग है, बाल धोने के लिए आपको सेकंड या थर्ड डे या फोर्थ डे, एनी डे यू कैन वॉश, फ्रॉम सेकंड डे ऑनवर्ड्स यू कैन वॉश योर, आपके बाल धो सकते हैं। और उसी टाइम बेबी शैम्पू जो रहता है, माइल्ड शैम्पू जो रहता है, वो आप यूज कर सकते हैं। एक 7 दिन के बाद फिनास्ट्राइड या मिनोक्सिडिल, जब आपके स्कैब है वो स्कैब निकल गए उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। यूजुअली 7 दिन में या 10 दिन में स्कैब निकल जाते हैं, उस टाइम से आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी रहे, आपके बाल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, फास्ट ग्रो हो जाए, इसके लिए आपको विटामिन सप्लीमेंट अगर आप ले लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हेयर ट्रांसप्लांट है वो भी एक सर्जरी है, उसका भी ट्रॉमा रहता है, थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर आ गया रहता है, तो ऐसे टाइम में अगर विटामिन की सप्लीमेंट्स और विटामिन का सपोर्ट रहेगा तो ये ट्रॉमा टिलोजन फेज में ज़्यादा जाता नहीं, और जो लगाए हुए बाल है उनको और अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिल जाता है। न्यूट्रिशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आयरन की गोलियां इम्पोर्टेंट है, सेकेंड इम्पोर्टेंट है कैल्शियम और विटामिन D3 है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमें खाने से नहीं मिलती वो भी हमें वहाँ मिल सकते हैं, विटामिन ई ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आपके डॉक्टर आपको दे देते हैं, बायोटिन अप टू सर्टन लिमिट डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन बायोटिन 2 महीने से ज़्यादा मत ले लो। तो 2 महीने तक आप ये सब विटामिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, एंड उसके बाद ज़्यादा विटामिन की सप्लीमेंट लेने की कुछ ज़रूरत नहीं, आपका जो रूटीन डाइट है वो आपको संभाल लेगा, आपकी बालों की ग्रोथ संभाल लेगा। शैम्पू यस, एंड फिनास्ट्राइड एंड मिनोक्सिडिल, फिनास्ट्राइड और मिनोक्सिडिल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी लेना जरूरी है, क्योंकि वो जो कुछ बाल लगाए हुए है वो बाल में से अराउंड 20-30-40% बाल बहुत सारे दिन में, बहुत सारे महीनों में वो भी बाल थिनिंग होने लगे हैं। एग्जैक्ट रीज़न किसी को भी मालूम नहीं है। लास्ट 15 साल से जब ही से हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से हो गया है और उसका जो डाटा अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, उसमें ऐसे सामने आ गया है कि 15 साल पहले समझो लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, अगर उन्होंने कुछ भी दवा नहीं ले ली है, फिनास्ट्राइड नहीं लिया, मिनोक्सिडिल नहीं ली, कोई भी बालों की जरा भी केयर नहीं की है, तो ऐसे लोगों में से मोर देन 60% लोगों में 30-40% हेयर ये थिंड आउट हो गए, वो चले गए हैं। लेकिन जो लोगों ने फिनास्ट्राइड ले लिया, मिनोक्सिडिल ले लिया, ऐसे लोगों में, या बीच बीच में विटामिन का सप्लीमेंट ले लिया, ऐसे लोगों में बहुत सारे बाल थिनिंग होने से बचे हैं, बहुत सारे बाल बहुत दिन तक लंबे रह गए हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट थिंग है, शैम्पूइंग, मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्राइड दो, उसके लिए कुछ भी ज़्यादा दिमाग में क्वेरीज मत निकालो,
फिनास्ट्राइड मोर देन 99% लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कोई भी तकलीफ हो गई, तो आप बंद करो, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी प्रॉब्लम। मिनोक्सिडिल लगाने के बाद भी थोड़ा ड्राइनेस आ जाएगा, तो अगर आप पानी में हाथ डुबो के थोड़ा हल्का सा बालों के ऊपर से घुमाएंगे तो भी वो ड्राइनेस, व्हाइटनेस वो निकल जाएगा। शैम्पू से आपका वहाँ जो रूसी जैसे लगता है वो निकल जाएगा, या यू कैन चेंज द ब्रांड ऑफ मिनोक्सिडिल। ऐसे करके आप बालों की अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हो और जो लगाए हैं वो बाल लंबे टाइम तक ये कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, यूजुअली ग्रेड 7 में हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले इंडिया में बहुत कम लोग हैं। जिनका पूरा बाल्डनेस हो गया उनका हेयर ट्रांसप्लांट 7,000, 8,000, 10,000 ग्राफ्ट, 15,000 ग्राफ्ट, इतने ग्राफ्ट करने वाले इंडिया में कुछ चुने हुए डॉक्टर है, उनमें हेयर MD और हम लोग भी है। लेकिन जिन पेशेंट में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक ग्राफ्ट कर दिए हैं, उनके बारे ही बाकी बचे हुए जो बाल है उनको बचाने के लिए आपको फिनास्ट्राइड मिनोक्सिडिल तो लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये बाल है, ये बहुत दिन तक लगाए हुए बाल, ट्रांसप्लांटेड बाल बहुत दिन तक रहेंगे, लेकिन जो पहले वाले अपने हैं बाल, वो उनका अगर बाल्डनेस हम लोगों ने पोस्टपोन नहीं किया तो वो जाएंगे, यानी आगे लगाए और पीछे से गए, तो फिर अगेन यू विल हैव हेयर लॉस प्रॉब्लम, आपको वो बाल्डनेस की प्रॉब्लम और रहेगी। तो बाल्डनेस हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि ये एलोपैथिक साइंस या ऑल दिस थिंग आपका बाल्डनेस क्योर करते हैं, हम लोग आपका बाल्डनेस पोस्टपोन कर रहे हैं। इमीडिएटली अभी दिखने से और कितने टाइम तक लंबे तक खींच सकते हैं उतने आपके बाल वैसे रखने की कोशिश करेंगे। तो फिनास्ट्राइड मिनोक्सिडिल और शैम्पू और बीच बीच में कभी भी आपको लगे तो विटामिन की सप्लीमेंट, ये जरूरी है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ हेयर के बारे में जो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक डेटा है, हेयर हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट, इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम वहाँ दे रहे हैं। इवन हेयर रिमूवल के बारे में भी हम लोग वहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो देख के, वो सुनने के बाद भी अगर आप को हेयर के बारे में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उसी वेबसाइट पे हम लोगों ने एक विंडो रखी है, वहाँ आप लोग हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन का हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो मुझे ईमेल कीजिए, या ये अभी जो YouTube पे देख रहे हैं उसके पीछे नीचे भी आप लोग लिख सकते हैं आपकी क्वेरी, वी विल ट्राई टू आंसर इट, हम लोग उसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपके बाल अच्छे ही है, अच्छे रहेंगे, और अच्छे रहने के लिए हेयर MD इंडिया आपको बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।